बोला है कि कोई कोर्सिव एक्शन उनके खिलाफ ना लिया जाए। ईडी ने 9 समन उनको अभी तक कर दिए हैं और उनका कहना है कि अगर वो तभी अपीयर होंगे ईडी के सामने जब उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। देखिए, आज के दिन में ये बिल्कुल साफ है कि ईडी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल टूल है, एक राजनीतिक हथियार है। आज ईडी का प्रयोग हो रहा है सिर्फ विपक्ष को खत्म करने के लिए। ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जांच में भागीदारी के लिए नहीं बुला रही है, वो उनको गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके, कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनकी मेजॉरिटी आए, उनकी सरकार बने, उसमें विपक्ष के एक महत्वपूर्ण नेता होने के तौर पे अरविंद केजरीवाल प्रचार ना कर सके। क्योंकि अगर गिरफ्तारी उनका लक्ष्य नहीं होता तो कोर्ट में कह देना कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। क्यों जब हाईकोर्ट के सामने कल एक याचिका दायर हुई और हमने नो कोअर्सिव एक्शन की मांग करी, गिरफ्तारी ना होने की मांग करी, तो उसका ईडी ने विरोध क्यों किया? वो वहां पे क्यों खड़े होकर कहते हैं कि नहीं, इस पे हाईकोर्ट को कोई एक्शन नहीं करना चाहिए? तो बिल्कुल साफ है कि ईडी का मकसद जांच नहीं है, ईडी का मकसद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।